फेसबुक स्टोरी में अगर आप अपनी फोटो में या किसी के भी फोटो में आप म्यूजिक के साथ आप स्टोरी डालना चाहते हैं, म्यूजिक लगा के आप स्टोरी डालना चाहते हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप इसी तरीके का वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे करें। इससे क्या होगा कि हमारे बनाए वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं टेक सुमन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको फेसबुक को ओपन कर लेना है। करने के बाद आपको जो यहाँ पे क्रिएट ए स्टोरी पे क्लिक कर देना है। करने के साथ साथ आपके सामने कुछ ऐसा आएगा इंटरफेस। यहाँ से आप म्यूजिक भी डाल सकते हो या तो फोटोज ही डाल सकते हो या तो म्यूजिक में आप फोटो डाल के भी डाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को चूज कर लेना है। फिलहाल मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। ये वाला फ़ोटो लेने के बाद स्टिकर, टेक्स्ट, एरो, एफेक्ट्स एंड टैग पीपल, ठीक है। इसके बाद आपको जो ऊपर पे स्टिकर्स है वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ साथ आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, म्यूजिक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ साथ कुछ ऐसा यहाँ पे म्यूजिक शो होगा आपके सामने, बॉलीवुड म्यूजिक आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो ब्राउज है आप ब्राउज भी कर सकते हो, लव सॉन्ग्स, पंजाबी, इंडियन पॉप, बॉलीवुड, पार्टी हिट्स, मराठी, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस का यहाँ पे आपको म्यूजिक मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ से आप सर्च करके भी म्यूजिक लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी एक म्यूजिक को चुन लेना है। मैं ये वाला म्यूजिक को चुन लेता हूँ। यहाँ पे इसको चुन लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको लगाने के लिए फिलहाल मैं इसका वॉल्यूम को ऑफ कर दे रहा हूँ, म्यूट कर दे रहा हूँ। तो इसको लगाने के लिए आपको उस म्यूजिक के ऊपर टच कर देना है। टच करने के साथ साथ ये म्यूजिक आ गया है, ये आप देख सकते हो। और ये इसका स्टाइल भी आप यहाँ पे 5 तरीके से दे सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है, और तीसरा हो गया ये वाला आप देख सकते हो ये, और चौथा हो गया ऐसे आप दे सकते हो, और पाँचवा हो गया ये ऐसे आप पूरा फोटोज़ में दे सकते हो। तो पहले वाला सिंपली मैं यहाँ पे अभी देता हूँ, पहले वाला जो कि नंबर पे आ रहा है आप देख सकते हो, और सेकंड में ऐसा आ रहा है, मैं तो ऐसा ही दे देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर जो डन का ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आप जहाँ पे भी लगा सकते हो इसको, ये आप देख सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे नीचे रख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख भी सकते हो। ये जो डबल ए का जो सिंबल है उस पर क्लिक करने से आप यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल मेरा चैनल का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे डन कर देना है। डन करके इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो उसके ठीक नीचे जो डबल ए के ठीक नीचे आपको ये वाला सिंबल मिलेगा, यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं इसका कलर, ठीक है। ये वाला कलर आप चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। तो यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, उसके लिए ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ और इसको रहने देता हूँ, ठीक है। तो उसके ठीक नीचे एक ब्रश का जैसा एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप इस फोटो में कुछ फ्रेम भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाला देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे आपको इमोजीज या बहुत सारे ऐसे कुछ एफेक्ट्स भी मिल जाएगा। फिलहाल मैं ये लव वाला इसमें फ्रेम लगा देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा सा दिख रहा है दिखने में। तो उसके बाद ये जो उसके नीचे आपको एक सिंबल मिलेगा टैग का, यहाँ से आप किसी भी फ्रेंड को भी यहाँ से टैग कर सकते हो। ये फिलहाल मैं ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सब होने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेसी, प्राइवेसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे जो ये स्टोरी आप पब्लिक भी रख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी दिखा सकते हैं, और ये कस्टम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये सबसे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी ये आप अलाउ कर सकते हो, ये ऐसे अलाउ हो जाए होता है, और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड्स पे भी लगा सकते हैं, और मैं फिलहाल इसको पब्लिक में ही रहने देता हूँ। ये चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, इसको बैक आना है। दोस्तों ये बैक आने के बाद आपको उसके ठीक सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव का, यहाँ पे इसे आप सेव भी कर सकते हो।
तो दोस्तों आपको ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर टू स्टोरी में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ साथ ये देखिए सारे के सारे अप्लाई एफेक्ट्स हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा स्टोरी पोस्ट हो गया है और म्यूजिक भी ऐड हो गया है, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके का वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे करें। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही, फिर मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।